भारत आज अपना स्वतंत्रता दिवस 78वां मना रहा है। और बात करें, हमारे बीच में राजीव कौशिक जी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि देश आज 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्या शुभकामना क्या बताइए राजीव जी? सभी देशवासियों को शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस की, और फिर हम एक बार अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, उन शहीदों को याद करें जिनकी वजह से आज हम इस आजाद हैं, और इस आजाद भारत की, हम तो आजाद भारत में ही जन्म लिया है, उनको याद करें। हम उनका ऋण कैसे चुका पाएंगे, उनके जो आदर्श हैं उन पे चलने के लिए कसम खाएं, इस भारत की एकता अखंडता के लिए कसम खाएं। हम सोचें कि आज जो समय विपरीत चल रहा है, थोड़ा सा नफरत का माहौल, इसको दूर करके इस पूरे देश को मोहब्बत का पैगाम दें और एक सूत्र में पिरो के ये बताएं कि ये देश एक है, अखंड है, और ताकि हमारे इस देश की मजबूती रहे। वही अगर हम बात करें, आज बांग्लादेश आग में झुलस चुका है, कोलकाता की तैयारी है, क्या मतलब ये होता क्या जा रहा है भारत देश में? भारत में नहीं हो रहा, ये विदेशी ताकतें हैं जिन्होंने बांग्लादेश में ये काम किया है। थोड़ा सा फेलर है हमारी जो एजेंसीज हैं रॉ वगैरह का, जो वहां पर उनका ठीक से उसका आकलन नहीं कर पाई, जिसमें ISI और अमेरिका की और जो चाइना की जो एजेंसीज हैं वो हावी रही। उन्होंने वहाँ उस नफरत को फैलाया और उस देश के टुकड़े, मतलब उस देश को जो टूट के कगार पे लाए हैं वो लोग। राजीव जी, ऐसे में ये नफरत का बाजार कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा? जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा ना, ये भारत है, इसकी मिट्टी में, इसके DNA में प्यार है, मोहब्बत है, नफरत नहीं है, तो ये तो यहाँ तो हो नहीं सकता। ये वो देश है जिसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़े थे इसकी आजादी की लड़ाई, और सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। तो इस देश की मिट्टी में सभी का जो आजादी है और उसमें सभी का खून शामिल है, सभी का योगदान है। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और सभी ने देश को आजाद कराया। तो ये तो भूल जाए कि यहाँ ये नफरत चल पाएगी। थोड़ी बहुत छद्म कुछ राजनीतिक दल हैं वो कर सकते हैं अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरा देश एक है, और हम फिर एक बार फिर दोबारा पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम, इस देश के लिए हम लोग भुलाएं अपने पुराने, कोई भी हमारे बीच भेदभाव हो उन सबको भुलाकर एक हों और आगे बढ़ें, इस देश को मजबूत बनाएं, अखंड बनाएं। बाबूजी, आप क्या शुभकामना देंगे? बस देखो, इसकी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और अच्छाई के लिए चलता रहे। ये इधर उधर की जो बातें हैं दुनिया भर की, इन्हें छोड़ के अच्छाई के लिए काम करें। ये जो चल रहा है ना, मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, हिंदू मुस्लिम, इसको नहीं करना चाहिए। नफरत का बाजार खत्म होना चाहिए। ऐसा ही गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सब लोग खुशी से मनाएं, प्यार से मनाएं। जय भारत माता की जय।